पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हाथ ऐसी हार हुई, अफगानिस्तान में खुशी और पाकिस्तान में गम। हम के चार मैच हैं, चारों जीत जाए तो सेमीफाइनल में जा सकते हैं, लेकिन वहां अफगानिस्तान इतने में खुश है कि हमने पाकिस्तान को ही हरा दिया। तो भाई पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हाथ ऐसी हार हुई, अफगानिस्तान में खुशी और पाकिस्तान में गम। एक तरफ पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाना मुश्किल लगता है, बल्कि नामुमकिन लगता है, वहां अफगानिस्तान इतने में खुश है कि हमने पाकिस्तान को ही हरा दिया। तो हकीकत यह है कि जी पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। हम के चार मैच हैं, चारों जीत जाए तो सेमीफाइनल में जा सकते हैं, लेकिन जिस कदर वो खेल रहे हैं, ये हम नहीं पाकिस्तानी फैंस ही कह रहे हैं कि ये चारों मैच हार भी सकते हैं। इस टीम ने अपने पोटेंशियल से नीचे की क्रिकेट खेली है। अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की आपस में जो राइवलरी है क्रिकेट के मैदान में नहीं, ये क्रिकेट के मैदान के बाहर से आती है। और इस वक्त अफगानिस्तान की फैन, बहुत बड़ी फैन, वाजमा अयूबी मेरे साथ है कुछ दिन पहले स्टूडियो। और आज वाजमा, मतलब 10 दिन पहले जो आप कह के गई थी कि अफगानिस्तान भले ही इंडिया से हार जाए कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान को हरा देगा, हमने कहा नहीं यार, आप पाकिस्तान को कैसे हरा सकते हैं, ये तो मुमकिन हो गया। कल की जीत हम सबके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल थी, क्योंकि एक तो हमने पाकिस्तान से कभी भी पहले मैच नहीं जीता है, और वो भी वर्ल्ड कप में, और स्पेशली ओडीआई में। तो ये जीत खास करके सब लोगों के लिए, जिन अफगान्स के लिए जो अभी पाकिस्तान में है, और ये लोग उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं और उनको अपने घरों से निकाल रहे हैं और बेमुल कर रहे हैं। पहले तो ये लोग ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं जो लोग इमिग्रेंट बन जाते हैं, फिर वहां जाके हमारे लोग इनकी इकोनॉमी बनाते हैं, फिर बाद में उनको लात मार के अपने मुल्क से निकालते हैं इमिग्रेंट कह के। तो जो हालत अभी चल रहा है वहां पे हमारे अफगान भाइयों बहनों के साथ, और जैसे हमारे सबके दिल में एक बरास था, तो ये जीतने वो सबके दिल से थोड़ा सा बरास निकाला, तो इसीलिए हम सबके लिए बहुत स्पेशल है। यानी कि सियासी रंग इससे आपने दे दिया है, लेकिन इंडिया में बड़ा जश्न मनाया गया, क्योंकि दिल्ली में आप जानती हैं कि अफगान पॉपुलेशन बहुत है, मैंने चेन्नई में क्राउड में देखा, वहां पर भी लोगों ने टीम को बड़ा सपोर्ट किया, तो हिंदुस्तान ने आपकी मदद भी की है। अगर आप क्रिकेट की बात करें, आपके खिलाड़ी आईपीएल भी खेलते हैं, उससे पहले हिंदुस्तान अफगानिस्तान टीम का एक बेस भी हुआ करता था। जी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे सारे इंडियन शुभचिंतकों से, और जिस तरह से इंडिया ने हमको सपोर्ट किया हुआ है वो काबिले तारीफ है, और जैसे फैन हमारे विन को अपना विन समझ के भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका भी मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मतलब हम सब लोग बहुत आभारी है आप लोगों के प्यार का। नहीं, अब ये देख रहे हैं ना वाजबा की आपकी टीम दो बड़े मुकाबले तो जीत गई है, ये जायंट किलिंग एक्ट तो है, लेकिन आपकी टीम क्या केनिया जो 2003 सेमीफाइनल में खेली थी उस तरह के एक आधी और बड़ी टीम को हराकर सेमीफाइनल में जा पाती है कि नहीं जा पाती है? फिलहाल साउथ अफ्रीका बुरी तरह से बांग्लादेश को